दोस्तों, बाप रे बहुत बनी लग रहा है। कितना? अरे बाप रे 7 बज गए। बिस्तर आज मैं बहुत लेट नहीं हो गई, इसको जल्दी जल्दी ठीक कर दूंगी। मम्मी मुझे जगाती है, लेट हो गया। तो दोस्तों, आप लोग की तरह मेरा भी डेली रूटीन है। अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, पानी पी के। पानी पीना सुबह अच्छा है, तो पानी पी के जाऊँ। मिलती हूँ आने के बाद। मैं आ चुकी हूँ और पानी वाला जार खराब है, कल परसों धोए थे, तो आज थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। बनना बंद हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी पानी छोड़ती हूँ, उसके बाद क्या करेंगे दिखाऊंगी। पानी भरने के बाद मुझे पानी पीने के लिए गर्म करना है, तो मैं गर्म कर चुकी हूँ। और जो जार धोई थी उसको भी अभी अभी लाई हूँ। मैं पानी गर्म करती हूँ। पानी गर्म होने के बाद यहाँ जार में डालती हूँ। हो गया, इसको बंद करते हैं। जो नीचे नीचे जो जार देख रहे हो, इसमें पानी डालते हैं। नीचे वाला जार से छोटा वाला जार में पानी डाल चुकी हूँ। उस समय कैमरा पकड़ना मुश्किल था, तो अभी मैं यहाँ से ऑन करती हूँ ये वाला नीचे वाला बटन, और यहाँ रेड कलर का लाइट जलेगा, तो आप लोग का नहीं, लाइट पानी गर्म हो रहा है बोल के जान सकते हैं। और अभी नाश्ता पर क्या बनेगा देखते हैं। ढोकला बनेगा, यह है ढोकला। ढोकला खरीद के भी खा सकते हैं और खुद ऐसे किसान बना के भी बना सकते हैं। ये रेडीमेड है, आप रेडीमेड खाना चाहते हैं तो रेडीमेड दुकान से मिल जाता है। ढोकला पाउडर ये डेली नीड में मिलता है या ग्रोसरी दुकान में भी मिलता है। ढोकला कैसे बनाते हैं ये मैं कुछ समय 2 मिनट या 3 मिनट के बाद दिखाऊंगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ आप लोग को फिर से दिखाती हूँ। मैं आप लोग को ढोकला के बारे में बताई हूँ। अभी तो नहीं बन रहा है नाश्ता, तो मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। अभी मैं ब्रश करने चलती हूँ। ब्रश निकालती हूँ। क्लोजअप अच्छा लगता है मुझे, तो क्लोजअप कर रही हूँ।
तो मैं जल्दी जल्दी ब्रश करती हूँ और नाश्ता कैसे बनाते हैं ढोकला का वो रेसिपी आप लोग को दिखाऊंगी। बेसन का तरह ही रहता है, इसको ऐसे मिला के ठीक से मिलाना चाहिए। मैं नहीं बना रहे, भाभी बना रहे। आपके घर में ब्लेंडर है तो ब्लेंडर से भी आप घुमा सकते हैं, लेकिन हाथ से करते हो तो बहुत अच्छा है। और जो घोटलियों होता है ऐसा नहीं होने तक मिलावट ही ऐसे ही एक ही शेप में हाथ को घुमाना चाहिए। ये है शुगर, इसमें शुगर को डाल के पानी मिक्स करते हैं। इसमें बना के ऐसे कटोरी में केक आप लोग को बनाना आता है तो केक वाला शेप में भी डाल के ऐसे इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाना करना। उसके बाद कुकर में सीटी नहीं लगाना है, बस ऐसे कुकर को ढकना है। सीटी बजेगा तो खराब हो जाएगा। ये 10 या तो 15 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद बन जाता है। और बनने के बाद क्या करते हैं दो मिनट के बाद बताती हूँ। ये सीटी जब यानी 15 मिनट जब तक नहीं हो जाता मैं अलार्म लगा देती हूँ उसको। और बनेगा तो क्या क्या डालते हैं दिखाऊंगी। ढोकला के साथ टमाटर चटनी बहुत अच्छा लगता है तो मुझे टमाटर चटनी बनाना है। फ्रिज से टमाटर निकलना चाहिए, निकालती हूँ। टमाटर चटनी ये जो ढोकला में बहुत लगता है तो मैं 3 छिकलाई हूँ, इसको धो लेती हूँ। कटोरी निकालते हैं, ये ठीक होगा। तो मैं धो चुकी हूँ, अभी मुझे यहाँ से जाली निकालना है। जाली की निकाल रही हूँ मैं, अभी गैस से ही उड़ाना है। अरे बाप रे, ऑन करी के ऊपर चाट की टमाटर के ऊपर डालना है। उधर उधर करके जैसे कि जितना गोल है इतने ही आग लगना चाहिए, ऐसे ही घुमाना चाहिए। इधर का हो गया है तो मैं इसको जल्दी जल्दी खाती हूँ और दिखाऊंगी। आधा जल चुका है, जहाँ आग नहीं गया है मेरे को ऐसे भी घुमाना। अब जिस पे घुमा सकते हैं मैं चाकू से घुमा रही हूँ। हो गया है तो मैं गैस बंद कर चुकी हूँ और अभी मुझे इसको छिलना है, तो पानी में भी डाल सकते हो आप। तो पानी डालती हूँ और इसमें मिर्ची है, लहसुन है और नमक और ये है धनिया, बीज वाला धनिया। इसको धो के हो गया है कंप्लीट।
और अभी मुझे इसको मिक्सी में पीसना है। तो ये हो गया है और ये है ढोकला जो 15 मिनट का अलार्म बज चुका है। केक के शेप में आप लोग मिलेगा क्या, आप ऐसे सिंपल वाला केक भी बना के खा सकते हैं। इसमें अभी छोक डालेंगे, दो बन चुका है ठीक है, और एक दूसरा केक और तीसरा है और एक बनेगा। अभी शुगर सिरप डालेंगे, इससे आपका जो ढोकला सॉफ्ट रहता है और बहुत ज़्यादा खाने के लिए मज़ेदार लगता है। सरसों और ये है छोक लगाने का एक जगह, इसमें अभी तेल डालेंगे और सरसों और राई, राई डालते हैं क्या, नहीं सरसों डालना और उसके बाद करी लिप्स, करी पत्ता आप डाल सकते हैं। अभी डाल के दिखाते हैं मैं, गरम भी हुआ है अभी तो, हो गया करी थी अभी डाल देते हैं, हो भी गया इसमें छोक लगाएंगे। पत्ता नहीं आ रहे देखिए, चलिए अभी मैं नाश्ता करने जाती हूँ के बाद आप इसको कट कट करके छोटा छोटा पीस करके खा सकते हैं। देखो ये बहुत फ्लफी है और स्मूथ है, और काटने से तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। नाश्ता तो बनना कंप्लीट हो गया है, नाश्ता कंप्लीट और भैया खा रहे हैं अभी। क्या खा रहे हैं भैया? ढोकला खा रहे हैं, आज उनका फेवरेट नाश्ता बना है रोहित के। मेरा नाश्ता मुझे मिल गया है, अभी मैं खाने चलती हूँ। अभी मैं नाश्ता खत्म कर चुकी हूँ और भैया नहा के ऑफिस निकल रहे हैं, और जो कि बारिश हो रहा है तो मैं कार से जा रहे हैं तो गेट खोलने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी तक कमरा से दिखा, जल्दी जल्दी इसको खोल दूँ। ये है एक गेट जी, आ रहे हैं अभी, इसको गेट बंद करना है इसलिए मैं आई हूँ। निकल गए, और ये है भाजी और दाल, दाल मिक्स करके बना रहे हैं सब्जी।
और दाल बन चुका है, उसे भाजी में मिलाए हैं। मुझे करना है इतना सारा बर्तन साफ, और बस बर्तन साफ करने के लिए बोले हैं, मैं बर्तन साफ करती हूँ जल्दी जल्दी और उसके बाद नहाने जाऊंगी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।